और वहीं रायपुर में दही हांडी कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दें कि दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। रायपुर के गुढ़ियारी में दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मनाए बर यहाँ उपस्थित हैं तो आप सबके श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान श्री कृष्ण से और राधा रानी से प्रार्थना है कि हमार सब कर ऊपर में उमन के कृपा रहे, पूरे छत्तीसगढ़ वासी के ऊपर में उमन के कृपा रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, समस्त छत्तीसगढ़ वासी बन के घर में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो। और जब हमन भगवान कृष्ण की याद करथन तो भगवान कृष्ण कान्हा के रूप में पैदा होके द्वारकाधीश तक के मन के यात्रा समझ में आते, अनेकों नाम, अनेकों वेश और अनेकों मन के कला भगवान श्री कृष्ण हमला कैसे जीना चाहिए, कैसे हमला अपन मानव जीवन ला व्यतीत करना चाहिए पूरा अपन कृष्ण लीला में बताई है। आज ये कृष्ण जन्माष्टमी मना के सार्थकता वही है कि जो महाभारत में मन उपदेश दिन है कि कैसे जीना चाहिए, कैसे अन्याय और अधर्म के प्रति लड़ना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में उपदेश दिन है और ये कही नहीं कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म के प्रधानता दिन है भगवान कृष्ण। आज ये अवसर ज्यादा कह के नहीं है, हमला सबला दही फोड़ के कार्यक्रम देखना है, लेकिन हमला ये आज के अवसर में मैं बताना चाहूं एक नाम में भूलत रहे हमर प्रबल प्रताप सिंह जोदेव जी के, आप सबला मालूम है हिंदू कुल तिलक युद्धवीर सिंह स्वर्गीय दिलीप सिंह जोदेव जी रहीन, उमन के सुपुत्र प्रबल प्रताप सिंह जोदेव जी सनातन धर्म के मजबूती पर गोहत्या के विरोध में कितना संघर्ष हमन ओकर साक्षीयन, स्वर्गीय दिलीप सिंह जोदेव जी के साथ में कितना पद यात्रा, कितना हड़ताल, तब जाके हमन जसपुर क्षेत्र ला बचाए हन। और स्वर्गीय दिलीप सिंह जोदेव जी राजा होते हुए भी सनातन के मजबूती के लिए, हिंदुत्व के मजबूती के लिए जो कन्वर्टेड ईसाई मन के अपन हाथ से पैर धो धो के उमला फिर हिंदू धर्म वापस लाई के काम करें, वो कामला आज प्रबल प्रताप सिंह जोदेव जी आगे बढ़ाते हैं। ऐसे आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जोदेव जी, और हमन जब कृष्ण भगवान की याद करसन तो कितना प्रकृति प्रेमी रहीन कृष्ण भगवान, मुरलीधर कथन तो बांसुरी के वादन करने वाला, यमुना नदी के तट याद आते, आप बन के कदम के पेड़ याद आते, गाय के झुंड याद आते। आज हमन सनातन धर्म में प्रकृति के प्रेमियन बड़ पीपल बेल कदम ये सब वृक्ष हमन पवित्र मानथन, और ये अवसर में हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रकृति के प्रेम के खातिर और ये देश के पर्यावरण ठीक हो एक लिए एक पेड़ मां के नाम एक अभियान छेड़ी रहे। आप सबसे भी मैं ये निवेदन करूं कि ये कृष्ण जन्माष्टमी मनाए के सार्थकता तब हो ही